नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अनिल टी ब्लॉग्स पर। मैं आज हूँ छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट पर, और यहाँ 3 दिन तक महोत्सव मनाया जाएगा मैनपाट का। चलिए फिर चलते हैं इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए। ये है यहाँ का एंट्रेंस जो सामने की ओर बना हुआ है। दादा सामने रहना कटिंग। हमारे बीच में वो कलाकार है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे वाहवाही बटोरते हुए इस करते हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास, लोकप्रियता का ये आनंद। कार्यक्रम आयोजित किया गया है, महोदय आप सादर आमंत्रित हैं इस मंच पर। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज मैनपाट महोत्सव के शुभारंभ अवसर में उपस्थित हमारे बीच में अखिल भारतीय कवि और जेकर धमक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे है आदरणीय कुमार विश्वास जी, हमारे साथी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और विधायक मुंडरा माननीय प्रीतम सिंह जी, हमारे साथी खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा जी, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष और रायपुर के विधायक भाई कुलदीप जुनेजा जी, यहाँ की जनपद अध्यक्ष उर्मिला खेस जी, उपस्थित अन्य सभी अतिथिगण, यहाँ की सरपंच सविता माझी जी, भाई तिलक बेहरा जी, प्रदीप गुप्ता जी, बलराम यादव जी, अटल जी यादव जी, संजय गुप्ता जी, दूधनाथ यादव जी, दीना यादव जी, नागेश्वर यादव जी, गणेश सोनी, और तब से लेकर के आज तक का सफर काफी उतार चढ़ाव के बावजूद, कभी काफी चुनौतियों के बावजूद,
कभी ये बंद नहीं हुआ, दिनों दिन इसका प्रभाव और इसका आकर्षण बढ़ते जा रहा है। इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, किसी भी चीज का शुरुआत छोटे तौर पे ही होता है, लेकिन उसका आकर्षण, उसका स्वरूप समय के साथ बदलते रहता है। बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आई, सबने इतना प्रयास किया और आपके संस्कृति मंत्री ने, अब क्या है कि रोड मंत्री हो तो रोड बनवा दे अपने इलाके में, जेल मंत्री हो तो जेल ही खुलवा दे, तो संस्कृति मंत्री थे उन्होंने कहा चलो महोत्सव ही करवाते हैं। बीच में प्रेस के लोग आए हुए, आपका भी बहुत आभार है। ये इसलिए नहीं आए कि कार्यक्रम लाइव दिखाएं, ये इसलिए आए कि एक घंटे में मेरे मुंह से कुछ निकले तो कल चलाएं। एक बार जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे बताइए कि आप सुनने के बाद। गीत गजलों से देखो भाई, मेरे लिए संकट का समय है कि एक तो जनता कम, इतनी तो मेरी नाश्ते में लग गई जितनी सामने बैठी है, मुझे पीछे तक चाहिए थी, लेकिन रात्रि में संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि दूरी है। अब भगत जी ने कहा है कि सब अगली बार ऐसा करेंगे जब भी बुलाएंगे कि रात में यहीं रुके हैं, दो तीन दिन रुके आए जाए, हम आए हैं ये पता भी तो चले इन लोगों को कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। ये मैंने दो बार लाइन इसलिए पढ़ी क्योंकि मैं पहली बार आया हूं आपके यहां। हमारे लोकप्रिय भजन गायक बैठे हैं, बड़े अद्भुत गायक हैं, इनको भी पता है कि कवि को, परफॉर्मर को जब तक नीचे से दाद नहीं आए अगली लाइन निकलती नहीं है। जैसे बारात की घोड़ी होती है ना, उसके आगे जब तक डांस नहीं करोगे आगे चलती नहीं है। अपने हाथ तैयार रखना अगली लाइन पर। हवा का काम है चलना, दिए का काम है चलना, वो अपना काम करती है
मैं अपना काम करता हूँ, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। ये मेरी वजह से उठ के गए, मायूसी जहां से हो के गुजरी है, दो बार पढ़ लिया बाहर नहीं आई, फिर पढ़ो। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। ये हमारे तो बच्चे हैं ना, ये इन्होंने मेरे साथ 3-4 हजार प्रोग्राम पढ़ लिए, जफर ने तो ज्यादा पढ़ लिया, अमेरिका अमेरिका सब जगह घूम आए, अभी भी ये तनाव में आ जाते हैं, आपकी भीड़ देखी तनाव में, तुम सर आदमी कम है, अब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस इनसे सीखो, दो जीते फिर भी मुस्कुरा रहे। क्या भगत जी बताओ, 4-5 हजार आदमी कम गए, ये कांग्रेस से सीखो कॉन्फिडेंस। मैं तो जब भी जनता कम होती है मैंने देखने लगता हूँ गुरु कॉन्फिडेंस कैसे बदलना माहौल, कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी, भगत जी बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी, बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, अब इस पलक पड़ता नहीं हमें, बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर और कुछ पॉपुलर मुक्तक हैं जिन्हें सुनाए बिना मुझे भी चैन नहीं पड़ेगा, आपको भी नहीं पड़ेगा, आप जहाज ही बोलने दोगे उसके बिना, वो भी सुना देता हूँ। तब मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ हम देसियों का, जो हम और आप हैं, और फिर मैं धीमे से आपसे विदा लूंगा, और आपको शुभकामना कि आने वाले दोनों दिन आप बहुत आनंदित रहें, और ये आपसे वादा आपकी तालियों के बीच कि बहुत जल्दी मैं 2-3 दिन के लिए इस इलाके में आऊंगा, एक क्षेत्र में आऊंगा रामपुर बोलने, क्योंकि ये मेरे राम का गांव है, तो मैं और मैंने आज टॉपिक भी डिस्कस किया, आज मैंने मंत्री महोदय से, हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, और सबसे अच्छी बात है कि हर कार्यक्रम में ये जो नेता साहब वगैरह सामने आके बैठते हैं, मैं कुछ ना कुछ बोलता हूँ, लेकिन आपकी तारीफ आप लोग सह लेते हैं इसलिए हम कह लेते हैं। और यह भी ध्यान रखिए कि जिन पत्थरों ने हथौड़ी की चोट सहने से इंकार कर दिया, वे पूजा गृह में रखे जाने वाली मूर्तियां नहीं बन पाए, वो पत्थर ही रहे, इसलिए कलाकार कवि पत्रकार इनकी आलोचनाएं स्वीकार करिएगा, अगर ये कह दे तो मानिएगा। तब एक कविता आपको सुनाता हूं, मेरा मन है कि मैं कभी यहां आऊं और वनवासी राम पर बोलूं, राम और वन का रिलेशन, राम ने वन के साथ कैसे सहकार, दुनिया का पहला आदमी जिसने सच्चा साम्यवाद और सच्चा समाजवाद स्थापित किया इन इलाकों में, वो चाहते तो किसी राजा के घर भी जा सकते थे, सभी रिश्तेदार थे, सबसे बड़े खानदान के थे, लेकिन नहीं, वो गए वंचितों के पास, पिछड़ों के पास, वनवासियों के पास, मल्लाहों के पास, मछुआरों के पास, इसे कहते हैं दलित चिंतन। वे गए माता शबरी के पास, जिसके बेर खाकर उन्हें वो मार्ग मिला जहां से लोक मंगल होना था। मैं इस पर ही बोलने लगूं तो रात हो जाएगी, तो मैंने बोला इनसे कि 2-3 दिन हो रोज शाम को 2 घंटे 2.5 घंटे इस पर बोला जाए, तर्क के साथ बोला जाए, और वो फिर वायरल हो पूरी दुनिया में, और मैं दिन भर घूमूं और देखूं, महसूस करूं उन पदचिन्हों को जहां से राम गुजरे थे। चित्रकूट में एक बार अवध के गवर्नर, अवध कहां तक होता था, कलकत्ता से लेकर पंजाब तक, अवध के गवर्नर रहीम तुलसी से मिलने गए थे, तो उनके साथ हाथी घोड़े थे, जैसे कानवे चलता है किसी बबड़े आदमी का, वो तो बहुत बड़े आदमी थे, 10,000 की सेना साथ थी, जो रहीम का हाथी था वो सामने बधा था चित्रकूट में, तो वो नीचे से धूल उठा उठाकर माथे पे फेंक रहा था, तो तुलसीदास ने मजे में कहा कि धूल धरत निज शीश पर कही कारण गजराज, रहीम दास ये बताओ तुम्हारा ये हाथी ये यहां की धूल उठा उठा के माथे पे क्यों फेंक रहा है। रहीम भी कवि थे, संस्कृत के प्रकाश पंडित, उन्होंने कहा धूल धरत निज शीश पर कही कारण गजराज, रहीम ने कहा कि जय रज मुनि पत्नी तरी, जिस मिट्टी के कण से अहिल्या का उद्धार हो गया था राम के छुपे क्यों फेंक रहा।
रहीम भी कवि थे, संस्कृत के प्रकाट पंडित। उन्होंने कहा धूल धरत निज शीश पर कही कारण गजराज। रहीम ने कहा कि जय रज मुनि पत्नी तरी, जिस मिट्टी के कण से अहिल्या का उद्धार हो गया था राम के छूने से, तही ढूंढत महाराज। तो मैं आकर इसलिए भी अभिभूत हूं, थोड़ा इमोशनल हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं उस पूरे इलाके में पैदल घूमू, थोड़े दिन घूमू, दिन में 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर, क्या पता कि सदियों की उलट पुलट में 7870 वर्ष पहले कभी अवधपुर का राजकुमार यहां से गुजरा था, क्या पता मिट्टी की उलट पुलट में कोई कण रह गया हो, कोई चीज रह गई है जो हम जैसे कलयुग में पैदा हुए सामान्य कीट पतंगों जैसे मनुष्य का उद्धार करे और हमारे हिस्से में लिखा जाए कि भारत की वो भूमि, छत्तीसगढ़ की वो भूमि जिस पर राघवेंद्र राम चले थे, भारतेश्वरी सीता चली थी, उसका एक कण जीवित रहते हमने भी छुआ था, क्या पता है। तब एक कविता सुनाता हूं, सुनो। हम लोग कौन है, हम और आप देसी हो, कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी। समझिए जरा इसे और आपकी वाह मिले। भैया व्यवस्थापक को जब उड़ना हो तो बता देना, कभी पता चला मैं पंखे से लटक के जाऊं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे, आपको तो यही रहना, आप तो कहोगे हाँ ठीक है, मंत्री जी को यही रहना, इनको तो वैसे भी यही रहना, यहीं से भेजे जाते हैं, तो यही ज्यादा रहते हैं, रायपुर कम रहते हैं। कि एशिया के हम, आप सचमुच में भगत जी इतनी पुरानी मैत्री है मेरी आपसे, मुझे कभी नहीं लगा आप नेता, पर अगर आप नेता नहीं होते तो दक्षिण की फिल्मों में जरूर अभिनेता होते। ये दुनिया खिड़कियां ना खोल पाती है यशोदा के यहां पर, आपके लिए पंक्ति पढ़ रहा हूं, विदा कीजिए मुझे। है यशोदा के यहां पर देव की जाए हैं हम है देसी, हम हर नगर, हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम, we
कीजिए। बैठ बैठ कर कार्निवाल आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे नई है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। यह पार्ट वन है, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, सिक्स ही है। धन्यवाद।